ठीक, तो अब नेक्स्ट जो है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में वो हमें पढ़ेंगे, दैट इज टेक्सटाइल फिनिशिंग। ये वर्ड तो तुम लोगों ने सुना होगा, फिनिशिंग मतलब क्या है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी टेक्सटाइल मटेरियल। व्हाट इज फैब्रिक फिनिशिंग? अ सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस अप्लाई टू ग्रे फैब्रिक टू एनहांस देयर अपीयरेंस एंड हैंड प्रॉपर्टीज एंड पॉसिबल एप्लीकेशंस। मतलब जो भी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम जो भी ब्लीचिंग, डाइंग और वो जो सब कर रहे थे ना, सब फिनिशिंग के अंदर आ जाता है। क्योंकि फिनिशिंग का मेन ऑब्जेक्ट है कि उसका अपीयरेंस इम्प्रूव करना, उसका फील इम्प्रूव करना कपड़े का, और उस फैब्रिक का प्रॉपर्टी इम्प्रूव करना एज पर द एप्लीकेशन। जहाँ एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं ड्यूरिंग द फिनिशिंग। So it plays a fundamental role for the commercial excellence of the result of textile. मतलब textile का जो commercial point of view है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है। क्योंकि अगर आप fabric को sell कर रहे हो तो sell करने के लिए आपको fabric में aesthetic property यानी attractive होना, उसका feel अच्छा होना और उसमें property enhance और appearance enhance होना जरूरी है, तभी आपका कोई कपड़ा खरीदेगा। आप मार्केट में जाओगे तो ग्रे फैब्रिक बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, एटलीस्ट पहनने के लिए तो कोई नहीं खरीदेगा। सेल करने के लिए खरीद सकते हैं, प्रोसेस करने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन फिनिश्ड फैब्रिक बेचोगे तो सब कोई उसको खरीदेगा और खरीदेंगे, और दे कैन यूज दैट डायरेक्टली। फिनिशिंग इज अ फाइनल स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। मतलब इसके बाद डायरेक्ट गारमेंट बनता है आपका, यूजली of the process sequence, ये सबसे last step होता है। It is a process by which the final properties of the material are developed. इस process से क्या है कि हम final properties होती हैं वो हम fabric में develop करते हैं। After the appearance, aesthetic and surface characteristics for improved product performance. So, finishing के बाद क्या, fabric का appearance improve होगा, aesthetics improve होगा, surface property improve हो सकती है, और the प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो है वो आपका एनहांस होगा। प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो अचीव्ड थ्रू वेरियस टेक्निक्स बोथ केमिकल एंड फिजियोकेमिकल। तो प्रॉपर्टी जो, अगर कोई कपड़े में फॉल्ट है ना, प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट और फॉल्ट रिमूवल भी होता है फिनिशिंग में। आपके पहले कपड़े में कोई डाइंग का फॉल्ट है या कुछ भी फॉल्ट है तो उसको भी हम फिनिशिंग में अलग अलग तरीके से वी ट्राई टू ओवरकम दैट फॉल्ट। ठीक, और उसके अलावा हम प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई भी करते हैं ड्यूरिंग द फिनिशिंग। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनिशिंग क्या है कि टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द हैंड ऑफ द फील और हैंड ऑफ द फैब्रिक, मेक फैब्रिक अट्रैक्टिव एंड सर्विसेबल। ठीक, इट विल प्रोड्यूस अ चेंज इन बिहेवियर, मतलब फैब्रिक के बिहेवियर में चेंज, फैब्रिक का लुक में चेंज आएगा, प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, सर्विसेबिलिटी में चेंज आएगा। Provide specific characteristics and desired property. ये है जिसको हम बोलते हैं functional finishing बोलते हैं। Provide specific characters and desired property. ये उसमें आएगा आपके, जैसे कि आपको कोई specific property डालनी है कपड़े में specific purpose के लिए, जैसे fire retardant है, water repellent है, तो वो एक functional property है जो specific application के लिए specific property है। ठीक है, for example जैसे कि आप swimming costume बना रहे हो, swimming या मरीन के लिए कपड़े बना रहे हो स्विमिंग पर्पज के लिए, तो वहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी चाहिए, वहाँ पे हमें फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी का जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें उसमें डाल रहे हैं, तो ये आपका ड्यूरिंग फिनिशिंग ही होता है। कंट्रोल ऑफ द श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज, आपका श्रिंकेज कंट्रोल भी हम फिनिशिंग में ही कर देते हैं, ताकि गारमेंट बनाने के बाद आपके जो गारमेंट है उसके में डायमेंशनल चेंजेस ना हो। एक बार गारमेंट बना लिया तो वो आपको उसी साइज का फिट आए बॉडी में। अदरवाइज अगर श्रिंकेज कंट्रोल नहीं है तो आपने गारमेंट बना दिया और आफ्टर दैट व्हेन यू विल वॉश द फैब्रिक इट विल श्रिंक होगा। तो कुछ कुछ कपड़े हमने देखे होंगे, स्पेशली हॉजरी फैब्रिक्स, छोटे हो जाते हैं पहनने के बाद। फिनिशिंग प्रोवाइड्स एस्थेटिक वैल्यू टू द फैब्रिक। एस्थेटिक वैल्यू मतलब आपका जो आंखों को अच्छा लगे, ठीक है, अपीयर अच्छा हो, दैट इज एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द फैब्रिक, तो वो आपका इम्प्रूव करता है। टू कंसील इंफीरियर स्ट्रक्चर मीन्स बोलता है कुछ अगर फैब्रिक में कोई फॉल्ट है तो उसको भी हम ड्यूरिंग फिनिशिंग रिमूव कर सकते हैं। टू सिमुलेट सुपीरियर क्वालिटी, और फाइनल जो सब ओवरऑल पर्पज है
फिनिशिंग का कि क्वालिटी फैब्रिक का इम्प्रूव करना है। सर अगर जैसे पैचीनेस आ जाते हैं फैब्रिक पे, जो हमारे पास फिनिश होके आता है, हम उसे चेक कराते हैं तो उसमें पैचीनेस निकलते हैं, हॉजरी फैब्रिक की बात कर रहा हूँ सर, तो जब वो फिनिश करते हैं तो क्या उनके एंड पे नहीं दिखते वो? फिनिशिंग के बाद दिखता है वो, वो तो डाइंग फिनिशिंग के बाद पैचीनेस डाइंग फॉल्ट होगा ना, वो डाइंग की वजह से। हाँ हाँ जी हाँ, तो डाइंग जो कलर पैचीनेस आते हैं वो आपको स्ट्रिपिंग करके रीडाई करके वो ऐसे ही रिमूव आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। नहीं वो तो है, जैसे कि मोस्टली जो जैसे ब्लैक कलर है, डार्क कलर जो होते हैं जैसे, या कोई स्पेसिफिक कलर होता है जैसे रॉयल है आपका, उनमें ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम आती है। वो फिनिश करके भेजते हैं हमारे पास, हम उनको चेक कराते हैं तो उसमें पैचीनेस निकलते हैं उसमें। फिनिशिंग कौन सी कभी कर कभी रहे हैं? क्या होगा जी फिनिशिंग कौन सी कर रहे हैं? इस तरह की तो डिस्कस कभी नहीं होती हमारी उनसे। हमें तो फिर रेडी टू फैब्रिक चाहिए होता है, जैसे कि हम आए हमारे पास उसको कट करें, वॉश करने के बाद कट करें हम, क्योंकि हम इतने एक स्टैंडर्ड देते हैं उनको, इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए ओनली कलर मैचिंग, और उसके अकॉर्डिंग फिनिशिंग चाहिए होती है, सॉफ्टनर कितना डालना है उसके अकॉर्डिंग, हैंड फील कितनी है, तो उसी स्टैंडर्ड देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है। बट जो स्पेसिफिक ब्लैक कलर एंड नेवी कलर, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये फिनिशिंग प्रोसेस और आपके डाइंग प्रोसेस दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि ये क्यों आता है, कि डाइंग प्रोसेस कौन सा है, कौन सा डाई यूज करो, फिनिशिंग में भी आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो, तभी आपको पहले उस चीज़ का रीजन समझ में आएगा ना कि ये क्यों आ रहा है, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। जी 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 वो है कि उसका पीछे क्या कारण है, तो वो आप जब रीजन समझ में दबाएगा व्हेन वी विल स्टडी होल प्रोसेस, मतलब आपका हो सकता है कई बार प्रोसेस समझना पड़ेगा। हाँ हो सकता है कई बार आपके पैकेज डेंसिटी में कई डिफरेंस हो, ये भी हो सकता है, जैसे आप बोल रहे हो ना यार्न डाइंग में वो है, तो डाइंग के टाइम पे जो पैकेज, हालांकि पैचीनेस नहीं आता उसकी वजह से रिंग वगैरह फॉर्म होता है, कि पैकेज का डेंसिटी आपका प्रॉपर नहीं है, तो डाइंग मशीन में, हाँ डाइंग मशीन में जो आपका पैकेज डाइंग मशीन है उसमें अंदर परफोरेशंस वगैरह लगाते हैं, फैब्रिक लगाते हैं, तो उसका वो भी रीजन हो सकता है, तो वो आप प्रोसेस पूरा स्टडी करेंगे तब यू कैन फाइंड आउट कि किस वजह से है, और तभी आप उसका सोल्यूशन। ओके ऐसे रैंडमली नहीं बता सकते हम कि ये, हाँ रैंडमली नहीं बता सकते कि ये इस वजह से है। एक्चुअली हम भी इतना डिटेल में नहीं जाते ना उनसे, क्योंकि डिटेल में जाना इसलिए नहीं होता, हमें उनको स्टैंडर्ड देना होता है, मोस्टली वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें देते हैं। मुश्किल से 5% कलर ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आए, तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि डाई आपका जो कलर है, डाई बहुत दिनों से स्टोरेज रखा है, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है, तो उसकी वजह से डाई प्रॉपर सॉल्युबल नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आप प्रॉपर अपना वो प्रोसेस स्टडी करोगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है। तो फैब्रिक टेक्सटाइल फिनिशिंग इज देयर टू इंप्रूव द नेचुरल प्रॉपर्टी अट्रैक्टिवनेस और इंक्रीज द सर्विसेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशिंग अगर हम करते हैं, क्लासिफाई फिनिशिंग को करते हैं, तो इसको बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, एक तो है मोड ऑफ एप्लीकेशन की से आप क्लासिफाई कर सकते हो, दूसरा आप ड्यूरेबिलिटी के से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो जो जनरल क्लासिफिकेशन वो ये है कि फिनिशिंग एक होती है आपकी मैकेनिकल और केमिकल, ठीक है, मैकेनिकल फिनिशिंग जो है दैट इज बाय द मैकेनिकल मींस, यानी हम इसमें कोई केमिकल अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि आपका कैलेंडरिंग हो गया और एग्जाम्पल, जी 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 ठीक है, तो कैलेंडरिंग में हम कोई केमिकल अप्लाई नहीं करते हैं, यूजुअली डायरेक्ट वो रोलर्स के बीच में से पास कराते हैं, केमिकल फिनिशिंग है उसमें भी अप्लाई सम केमिकल टू गिव सम स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक, जैसे कि आपके सिलिकॉन फिनिश हुआ, एंटी ग्रीज फिनिश हुआ, सॉफ्टनर हुआ, तो ये सब आपके केमिकल फिनिश में आते हैं। अब इसमें भी हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि टेम्परेरी और ड्यूरेबल, ठीक है, टेम्परेरी फिनिश वो है कि जो आपके 2-3 वॉश तक रुकेगी और उसके बाद वो चली जाएगी, ड्यूरेबल और परमानेंट फिनिश वो है जो आपके फैब्रिक में काफ़ी टाइम तक रहती है। सेम आपके केमिकल फिनिशिंग में भी है टेम्परेरी और परमानेंट, जैसे टेम्परेरी फिनिश में हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टनिंग की जो फिनिश है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि ये अगर आपके 10-12 वॉश तक भी अगर सॉफ्टनर फैब्रिक पे रहा और फैब्रिक पे रहा तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बाकी ये आपके सिलिकॉन फिनिश है, एंटी ग्रीज फिनिश है, ये ऑलमोस्ट ड्यूरेबल फिनिश है,
ये क्लासिफिकेशन सर, जैसे सर जैसे हम ये मोस्टली टेम्परेरी फिनिशिंग करते हैं अपने इन हाउस करते हैं, तो उसको ड्यूरेबल फिनिश जैसे करेंगे हम, जैसे काफी टाइम तक रहे तो उसके लिए क्या करना होगा? टेम्परेरी करा लेते हैं, अब वो क्या होता है, दो तीन बार वॉश होता है एंड इधर उधर एक्सरसाइज होती है फैब्रिक के साथ, तो वो फील बेटर नहीं रह पाती। नहीं, कुछ कुछ फिनिश ऐसी हैं जिसमें जिसको आप परमानेंट कर ही नहीं सकते, मतलब पीपल आर वर्किंग ऑन केमिस्ट्री ऑफ दैट। जैसे हम सॉफ्टनर की बात करें तो सॉफ्टनर पे लोग ऐसे ऐसे हाँ लोग पीपल आर ट्राइंग कि ऐसे सॉफ्टनर हम बना पाए कि जो फैब्रिक पे परमानेंटली रुके, तो वो एक रिसर्च का वो है, तो वो लोग लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे भाई सॉफ्टनर भी जब आए थे तो हो सकता है दो तीन वॉश तक ही रुकते हों, अब धीरे धीरे उसका कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो पीपल आर ट्राइंग। ये क्या है, ये ऐसा है कि भाई अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आगे हो सकता है ऐसे सॉफ्टनर आ जाए जो परमानेंट रुके, जो फिनिश, क्योंकि टेम्परेरी इसमें प्रॉब्लम ये आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है सर, एज ए सैंपल जब हम रेडी करते हैं तो उस टाइम पे तो हम सॉफ्टनर की क्वांटिटी ज्यादा डाल के और उसको पास करा लेते हैं बायर से, बट जब प्रोडक्शन आता है प्रोडक्शन में इतनी क्वांटिटी सॉफ्टनर डाल नहीं सकते हम, क्योंकि कॉस्टिंग से बाहर चला जाता है वो, कॉस्टिंग से बाहर, पर सॉफ्टवेयर से आपका टेंसाइल प्रॉपर्टी भी कम होता है, तो ये कई चीज है। तो वो क्या है, जो आपके सॉफ्टनर बनाने वाली कंपनीज है वो इस चीज पे सब रिसर्च करके नए प्रोडक्ट ला रहे हैं कि हमारा ये ज्यादा ड्यूरेबल है, तो इस पे वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। मोस्टली बायर आजकल मोस्टली बायर जो हैंड फील पे ही डिपेंड करते जा रहे हैं। हां, स्पेशली आपके कुछ प्रोडक्ट तो कारपेट हुआ, टॉवल हुआ, उसमें तो आपका सारा ही हैंड फील पे ही चलता है। आजकल ऐसा कोई गारमेंट ही नहीं बन रहा सर जिसमें सॉफ्टनर नहीं यूज कर रहे। तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो टेम्परेरी फिनिश देना कोई नहीं चाहता, एवरीवन वांट्स कि भाई फिनिशिंग हमारा ड्यूरेबल ही हो। टेम्परेरी फिनिश देना क्योंकि वो ड्यूरेबल हो नहीं पा रहा है, पीपल आर ट्राइंग। इस सब में जो भी नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सब इसी बेस पे आते हैं कि हमारा ये इतने वॉश तक ड्यूरेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना एंटी माइक्रोबियल फिनिशिंग ही चलता है आजकल, मास्क पे बहुत वो चल रहा है मार्केट में अभी, ये सब कोविड के चक्कर में, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया है कि भाई वो ज्यादा वॉश तक रुक सकता है। इनिशियली वो भी 3-4 वॉश तक रुकता था, ठीक है। तुम कहते हैं वॉशेबल मास्क जो आप बना रहे हो उस पे आपका एंटी माइक्रोबियल फिनिश रहेगा, अदरवाइज यूजुअली मेडिकल गारमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमने एक बार यूज किया और फेंक दिया बहुत सारे, तो वहाँ आप हाँ, तो जहाँ ऐसे गारमेंट है वहाँ तो आपको जरूरत नहीं है कि परमानेंट फिनिश की। कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि भाई एक बार सिंगल यूज वाला, लेकिन मल्टीपल यूज वाला है जिसको हम वॉश कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं, वहाँ जरूरत होती है परमानेंट फिनिश। एक तो ये क्या है, ये हमारा functions of finishes is necessary in order to select the proper fabric suitable for the following specific concern। ये कि किसी भी finish के लिए वो fabric को कहाँ हम use करने वाले हैं वो depend करता है। तो क्या क्या वो criteria है कि हमने किस fabric पे क्या finish करना है वो depend करता है कि वो fabric को हम किस climatic condition में use करने वाले हैं, जो उसको पहनने वाला है उसका क्या activity रहेगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि भाई स्पोर्ट्स वाला कोई पर्सन है तो उसके लिए हमें अलग प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, केयर फैक्टर्स, ठीक। तो ये सब जो है फैब्रिक पे, तो ये क्या है कि हमें जब किसी फिनिश का क्या फंक्शन रहेगा उसके लिए हम फैब्रिक कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका ये सब क्राइटेरिया है कि क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है फैब्रिक का, क्या डिजाइन एंड यूज ऑफ द फैब्रिक, लाइफ ऑफ द गारमेंट कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपका फिनिशिंग डिसाइड करते हैं। सर, फिनिशिंग जब हम डिसाइड करते हैं तो इन प्रोसेस जब यान से फैब्रिक बन रहा होता है तब यूज करते हैं या ऑलमोस्ट जब फैब्रिक के ऊपर ही फिनिश यूज करते हैं? नहीं, मोस्टली फिनिश फैब्रिक के ऊपर ही होती है क्योंकि यार्न पे अगर आपने किया तो ड्यूरिंग आपके अदर प्रोसेस ना, वीविंग हुआ, आपके वेट प्रोसेसिंग हुआ जो नॉर्मल हम वेट प्रोसेसिंग करते हैं, सिंजिंग, डिसाइजिंग, वो सब, तो वहां से फिनिशिंग निकलने के चांसेस होता है, तो मोस्ट ऑफ द फिनिशिंग आपके फाइनल फैब्रिक पे ही होती है। कुछ-कुछ एनी अदर पर्टिकुलर फिनिश? हां जी, कुछ-कुछ फिनिशेस एनी अदर पर्टिकुलर फिनिश जो कि यान में ही हो, यान में ही हो, ऐसी कोई पर्टिकुलर फिनिश? कुछ-कुछ फिनिशेस ऐसे है कि जो फाइबर में ही, ऐसा कुछ नहीं, फाइबर में होके आती है। अच्छा,
कि जैसे कोई कौन कौन से फिनिश सर, ऐसे नहीं है जैसे आजकल पीपल आर क्लेमिंग कि जैसे एक एक फाइबर आ रहा है आजकल, इसको बेम्बू फाइबर हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हाँ जी, हाँ जी, उसमें नेचुरली हाँ उसमें वो आ रहा है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आ रही है, दैट इज नॉट, हम एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि उसमें जेनेटिकली मतलब वो बेम्बू से बनता है तो बेम्बू में होती है। तो कुछ कुछ फिनिशेज ऐसी है जो फाइबर स्टेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक, जैसे कि आप स्पेशली सिंथेटिक फाइबर्स में, कि सिंथेटिक फाइबर में हम कुछ कुछ फिनिशेज अप्लाई कर सकते हैं, उसमें फाइबर फॉर्मिंग के टाइम पे जैसे पिगमेंट ऐड करते हैं वैसे हम कुछ फिनिशिंग केमिकल ऐड कर सकते हैं कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी के लिए, अदरवाइज नॉर्मली आपके उस पर ही होती है, फैब्रिक पे होती है, इफेक्टिव भी मोर फैब्रिक पे। यूवी स्टेबलाइज्ड जो है पीपी और नायलॉन पहले ही होता प्रोसेस में, नाम प्रोसेस में, हां तो वो आप हां यूवी स्टेबलाइजर वो आप फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही ऐड करते हैं, तो पीपी में आपका एक नया प्रोसेस हो रहा है सर, सॉफ्टनिंग डाल रहे हैं एक यार्न प्रोसेस के अंदर, बट अब सक्सेसफुल यार्न में मैन्युफैक्चरिंग, हां जी, वो भी क्या, वो तो स्पिनिंग में भी डालते हैं सॉफ्टनर, क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, तो स्पिनिंग में भी आप फाइबर पे सॉफ्ट स्पिन फिनिश बोलते हैं उसको, स्पिन फिनिश या स्पिन ऑयल, तो फाइबर स्टेज में ब्लू रूम के से पहले वहाँ भी डालते हैं सॉफ्टनर, सॉफ्टनर नहीं तो एमल्सन, ऑयल वाटर एमल्सन लेके, ताकि आपका फ्रिक्शन नहीं हो, और फाइबर का इसलिए क्योंकि यूवी से आपका पीपी का स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है ना, तो इसलिए वो फाइबर स्टेज में ही डालते हैं यूवी रेजिस्टेंस केमिकल। थैंक यू सर। तो ये इसमें फिनिशिंग को अकॉर्डिंग टू डिजाइनर और मर्चेंडाइजर और सेल्स पर्सन फिनिशिंग दो टाइप, एस्थेटिक फिनिशिंग इज कॉल्ड जो फैब्रिक का हैंड फील इंप्रूव करे और अट्रैक्टिवनेस लाए आंखों में, ठीक है, एस्थेटिक फिनिश में आपका सॉफ्टनर और ये सब आ जाता है, कैलेंडरिंग है, सॉफ्टनर है, जो फैब्रिक का अपीयरेंस इंप्रूव करे एंड हैंड फील इंप्रूव करे। फंक्शनल फिनिशिंग में क्या है कि वियरेबिलिटी और परफॉर्मेंस एनहांस करे कपड़े का, ठीक है, परफॉर्मेंस एनहांस मतलब जो आपको एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस कपड़े का इंप्रूव करे, जैसे एडिशनल कंफर्ट है, एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो ये आपको बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस आपको मेडिकल फील्ड में या हॉस्पिटल्स में जितने कपड़े या गारमेंट यूज होते हैं उनमें चाहिए होता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ वियर लाइफ ऑफ गारमेंट, इम्प्रूव केयर परफॉर्मेंस, तो फंक्शनल फिनिश के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो मैंने बताया कि आपको हॉस्पिटल्स का है, सोल्जर्स का कैमोफ्लेज हमने एक एग्जाम्पल दिया था, तो कैमोफ्लेज पे आपको ये फायर रेजिस्टेंस फिनिश भी आपको अप्लाई करना होता है, ताकि भाई सोल्जर जब क्योंकि वॉर के टाइम पर सोल्जर का जो कपड़ा है वो ईजिली फायर कैच ना कर पाए, तो उस टाइप की फंक्शनल यानी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम स्पेशल फिनिशिंग अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फिनिश, जो वो एप्लीकेशन में फैब्रिक का परफॉर्मेंस इनहांस करता है। तो फॉर एग्जांपल आपके एस्थेटिक फिनिश और फंक्शनल फिनिश के एग्जांपल है ये, एस्थेटिक फिनिश है कैलेंडरिंग, इससे कैलेंडरिंग से क्या होता है आपका सरफेस अपीयरेंस इंप्रूव होता है, लस्टर इंप्रूव होता है, फ्रेग्रेंस फिनिश मतलब आपको कपड़े में खुशबू इम्पार्ट करना, फ्रेग्रेंस इम्पार्ट करना, फुलिंग है, मर्सराइजेशन है, ठीक है, ये सब से आपका कपड़े का अपीयरेंस इंप्रूव होगा, नैपिंग एंड सूडिंग है, ये सब हम बताएंगे कि करके क्या होता है, फ्लिस है, शियरिंग है, सॉफ्टनिंग है, स्टिफनिंग है, इनसे आपका फैब्रिक का सिर्फ आपका अपीयरेंस और हैंड फील इंप्रूव होगा, ये सब फिनिशिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी परफॉर्मेंस या स्पेशल कोई प्रॉपर्टीज से इम्पार्ट नहीं होगी, फंक्शनल फिनिशिंग है फैब्रिक में हम कोई स्पेशल प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल फिनिश है, एंटी माइक्रोबियल फिनिश हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल में जनरली हम यूज करते हैं, एंटी स्टेटिक फिनिश है यानी कि स्टेटिक चार्ज फैब्रिक में डेवलप ना हो, क्रीज रेजिस्टेंस है कि क्रीज कपड़े पे क्रीज को रेजिस्ट कर पाए कपड़ा, ड्यूरेबल प्रेस है, फ्लेम रेजिस्टेंस है, फ्लेम रेजिस्टेंस को फ्लेम रिटार्डेंट भी होता है इसमें, मौत प्रूफ है, मौत प्रूफ किसमें करते हैं हम, ये उसमें करेंगे आपके वूल में, क्योंकि वूल को देखा है ना अपना कीड़ा बहुत जल्दी लगता है प्रोटीन फाइबर, हाँ जी वूल, हाँ तो वहाँ मौत प्रूफ फिनिश, कीड़ा लगने कीड़ा से बचाना है उसको तो मौत प्रेस करने पड़ेगा, हाँ मौत प्रूफ फिनिश अप्लाई करते हैं उसके लिए,
ताकि उस पर कीड़े ना लगे। श्रिंकेज कंट्रोल है, सॉइल रिलीज। सॉइल रिलीज आपके पॉलिएस्टर में होता है, क्योंकि पॉलिएस्टर में आपके सिंथेटिक फाइबर में क्या है कि सॉइल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हम देख रहे हैं पॉलिएस्टर की शर्ट पे कॉलर पे वहाँ सॉइल बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ हम सॉइल रिलीज फिनिश अप्लाई करते हैं। वाटर और स्टेन रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट जैसे हमने बताया आपको, एक तो जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम हुए तो वहाँ वाटर रिपेलेंट फैब्रिक होना चाहिए। स्टेन रिपेलेंट फैब्रिक का यूज होता है आपके स्पेशली फूड इंडस्ट्री में, जैसे होटल्स वगैरह के टेबल क्लॉथ होते हैं ना जी, तो वो वहाँ, और ये आपके स्टेन रिपेलेंट वहाँ भी यूज होता है। आपके मैकेनिक जो होते हैं इंडस्ट्रियल फैब्रिक यूनिफॉर्म होती हैं मशीनों पर जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ क्या ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह सब लगने के चांसेस रहता है ना यूनिफॉर्म पे, तो वहाँ भी हम स्टेन रिपेलेंट फिनिश यूज करते हैं। तो वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफ भी है। वाटर प्रूफ मतलब है आपका वो डिफरेंस क्या होता है वो भी हम बताएंगे। वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफ में डिफरेंस है। वाटर प्रूफ मतलब होता है कि आपके कपड़े में से ना पानी पास होगा ना हवा पास होगी, दैट इज कॉल्ड वाटर प्रूफ। ठीक, वाटर रिपेलेंट उसको बोलते हैं जहाँ से कपड़े में से पानी पास नहीं होगा लेकिन हवा पास हो जाएगी, लेकिन एक बहुत पर्टिकुलर ज्यादा फोर्स लगाया आपने, प्रेशर लगाया तो पानी भी पास हो जाता है। तो वाटर प्रूफ में जैसे आपके टेंट वगैरह आ जाते हैं, अम्ब्रेला फैब्रिक, अम्ब्रेला के लिए जो फैब्रिक, हाँ दैट इज वाटर प्रूफ है, वो वाटर प्रूफ है अम्ब्रेला। ठीक, तो ये आपके एस्थेटिक फिनिश और फंक्शनल फिनिश का डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू टेक्सटाइल केमिस्ट, ये सब क्लासिफिकेशन है, बस आप फिनिशिंग क्या क्या होता है उसका ओवरव्यू देने के लिए। ठीक, मैकेनिकल और ड्राई फिनिश हमने बताया था कि मैकेनिकल और ड्राई फिनिश में आप वी डू नॉट यूज केमिकल, इसमें मोस्टली क्या है सिलेंडर्स और एनर्जी हीट ये सब यूज करते हैं, जैसे आपका ये है कैलेंडरिंग है मैकेनिकल और ड्राई फिनिशिंग में। ड्राइंग सिलेंडर्स होते हैं, कॉपर प्लेट्स होंगी, परफोरेटेड सिलेंडर्स हो सकते हैं, स्टेंटर हो सकता है। ठीक, यानी फैब्रिक आर हैंडल्ड इन द ड्राई स्टेट। केमिकल और वेट फिनिशिंग में वी आर अप्लाइंग सम केमिकल्स ऑन द फैब्रिक्स, तो जैसे कि एसिड्स हुए, एल्कलीज, ब्लीचिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स, सॉफ्टनर्स, रेजिन्स, अदर केमिकल्स रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंसेस विच कॉज अ रिएक्शन एंड प्रोड्यूस परमानेंट चेंज इन द फैब्रिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जैसे ये हमने नॉर्मल बताया रेजिन आपके उसके लिए होता है क्रीज रेजिस्टेंस के लिए, सॉफ्टनर आप लोग जानते ही हो, ठीक है, सिलिकॉन सॉफ्टनर जो है वो आप फैब्रिक के में सॉफ्टनिंग इम्पार्ट करने के लिए। कुछ कुछ केमिकल ऐसे हैं जो आपके वाटर रिपेलेंसी इम्पार्ट करेंगे उसके लिए ये यूज होता है, वाटर रिपेलेंट के लिए हमारा टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं फैब्रिक पे, है तो वो वाटर और स्टेन रिपेलेंट दोनों का काम करता है। तो ऐसे अलग अलग आपके केमिकल हैं जो अलग अलग फंक्शनल प्रॉपर्टी फैब्रिक में इम्पार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ परमानेंस फैब्रिक फिनिश को हम कह सकते हैं कि परमानेंट फिनिश होती है विच विल इन्वॉल्व इन द केमिकल चेंज इन द फैब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो चेंज है केमिकल चेंज है फैब्रिक में ये परमानेंट होता है, तो ये थ्रू आउट द फैब्रिक आपके फैब्रिक में ये प्रॉपर्टी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फैब्रिक। ड्यूरेबल फिनिश को हम बोलते हैं जो कि 50 से 60 वॉशेज तक आपका फैब्रिक पे रहे, तो 50 से 60 वॉशेज तक भी रहना इज ऑलमोस्ट परमानेंट फिनिश, क्योंकि 50 से 60 वॉश बहुत होता है। सेमी ड्यूरेबल फिनिश है आपका 25 से 30 वॉश तक जो कपड़े पर रहे, और टेम्परेरी फिनिश आर यूजली रिमूव कम्प्लीटली इन वन और टू क्लीनिंग्स। तो टेम्परेरी फिनिश हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ फैब्रिक को आपको मोस्टली यूज एंड थ्रो वाले सिंगल यूज वाले कपड़े हैं वहाँ वो टेम्परेरी, और मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल जो फिनिश होती है वो टेम्परेरी होती है आपकी। तो क्या क्या कपड़ा बेचा हमने एक बार जो अच्छा दिखे, बाद में वो कस्टमर का अपना टेंशन है उस पर आयरन करें या नहीं करें, हमने एक बार करके दिया, तो दैट इज कॉल्ड योर टेम्परेरी फिनिश। तो नेक्स्ट आपको इसमें हम सबसे पहला मैकेनिकल फिनिश लेते हैं कैलेंडरिंग। तो कैलेंडरिंग के पर्पज क्या क्या है,
स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द फैब्रिक, ठीक है, इंक्रीज द फैब्रिक लस्चर, फैब्रिक की लस्चर को इम्प्रूव करता है, क्लोजिंग द थ्रेड्स ऑफ वोवन फैब्रिक्स, कि जो इन शॉर्ट बोले तो फैब्रिक की जो एयर परमेबिलिटी है उसको कम करता है। तो इसमें जो फंडा है वो क्या है कि यार्न का हमारा स्ट्रक्चर जो रहता है, यार्न कैसा रहता है आपका, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, ठीक, तो सर्कुलर यार्न जो है बार्प और वेफ्ट के, तो हम क्या करेंगे उसको दो प्रेशर रोलर के बीच में से पास करेंगे कपड़े को, तो वो यार्न का प्रेशर इतना रहेगा कि वो दैट यार्न विल बिकम फ्लैटन, मतलब सर्कुलर से वो थोड़ा प्रेस होके फ्लैट हो जाएगा, तो आपका सरफेस जो है आपको उसका स्मूथ दिखेगा। उसकी वजह से एक चेंजेस क्या होगा कि बार्प और दो बार्प के बीच में जो गैप है, क्योंकि यार्न फ्लैट होगा प्रेस कर रहे हैं तो वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका एयर परमेबिलिटी इंक्रीज होता है, क्लोजिंग द थ्रेड्स ऑफ वोवन फैब्रिक, और जो वोवन फैब्रिक के थ्रेड्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, इंक्रीजिंग द फैब्रिक ओपेसिटी, यानी फैब्रिक का जो दिखने का ओपेसिटी मतलब जो विजिबिलिटी है वो आपका इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव द फैब्रिक हैंडल, फ्लैटन स्लब, अगर फैब्रिक में कोई स्लब है तो उसको भी फ्लैटन कर देता है, ऑब्टेनिंग सिल्क लाइक एंड हाई ग्लॉस फिनिश, यानी लस्चर फैब्रिक का इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि इट विल मेक यू फील लाइक हाई ग्लॉसी फिनिश जैसे फैब्रिक पे दिया हुआ है, सरफेस पैटर्निंग बाई एम्बॉसिंग, तो कैलेंडरिंग में ये है कि हम कोई पैटर्न भी सब फैब्रिक पे या कोई डिजाइन जो है वो भी इम्पार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम जो रोलर ले रहे हैं वो एम्बॉसिंग रोलर होता है, उसमें रोलर पे वो पैटर्न एंग्रेव होता है और वो रोलर हम हीट करके फैब्रिक उसको निकालते हैं, फैब्रिक को वो रोलर के पास में, तो इट इज कॉल्ड एम्बॉसिंग, उससे फैब्रिक का पैटर्न भी आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो कैलेंडरिंग बहुत टाइप की होती है, 3 रोल कैलेंडर, 5 रोल कैलेंडर, 7 रोल कैलेंडर, तो अपने GSM फैब्रिक के GSM, फैब्रिक की प्रॉपर्टी, टेंसाइल प्रॉपर्टी, कितना हमें लस्चर उसमें इम्पार्ट करना, उस सब पे आपका ये सब डिपेंड करेगा कि विच कैलेंडर वी आर गोइंग टू यूज। कैलेंडरिंग क्या है, सिंपली इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग और आयरनिंग अ फैब्रिक एट हाई स्पीड एट अंडर हाई टेंशन और हाई प्रेशर, ठीक, तो दो रोलर जो रोल के बीच में रोलर हीटेड रोलर गारमेंट इंडस्ट्रीज में तो सीधा बोल देते हैं कि कैलेंडरिंग करानी है इसको, सीधा कैलेंडरिंग होके आ जाता है और बस फिनिश, यही प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो उससे आपका फैब्रिक गारमेंट में, तो क्या आपने गारमेंट में कैलेंडरिंग है आयरनिंग, उससे ही चमकेगा ना, एक बार करते हैं डायर जी, डायर के पास भेजते हैं इसको कैलेंडरिंग कर देना, वो करके दे देता है, बस फिनिश हो जाता है, वही फिनिश, क्योंकि हालांकि ये टेम्परेरी फिनिशिंग है, ये आप 2-3 बार धोगे तो फैब्रिक नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप उसको क्या है, उसको सेलर को तो कपड़ा एक बार सेल करना है ना, वो कस्टमर बाद में अपना आयरनिंग करता रहेगा कपड़े पे, तो सेल करते टाइम वो अच्छा दिखना चाहिए, बस वन टाइम करना होता है, सेल करते टाइम वो अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए उस पे कैलेंडरिंग करते हैं जी। कैलेंडरिंग की बहुत सारी मशीनरी है अलग अलग टाइप की, हर कैलेंडरिंग मशीन कुछ अलग टाइप का इफेक्ट सरफेस पे कपड़े की पे लाएगी, तो इसको हम कैलेंडरिंग कौन सी है, मैकेनिकल फिनिश है और मोस्टली टेम्परेरी होती है ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वॉश तक नहीं, फैब्रिक पे इसका इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक। तो कैलेंडरिंग मशीन क्या है, रोलर रहते हैं इसमें कुछ ऊपर, मतलब 2 or more रोलर, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोलर्स अलग अलग होते हैं, सो दे आर जनरली अबाउट 70 inches वाइड एंड यूजुअली हीटेड, मतलब विड्थ ऑफ, तो ये हम ऐसे बताया कि फैब्रिक विड्थ पे डिपेंड करता है आपके रोलर का विड्थ कितना होगा, ठीक, ये है कि हाँ ज़्यादा विड्थ के कैलेंडर पे आप कम विड्थ का कपड़ा कैलेंडरिंग कर सकते हो, लेकिन कपड़ा ही आपका बड़ा हो जाएगा, रोलर छोटा हो जाएगा तो नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि रोलर के बीच में जो जो दोनों रोलर है वो एक दूसरे पे हाई प्रेशर से अटैच रहते हैं वो, और वो रोलर के बीच में, हीटेड रोलर के बीच में से हम फैब्रिक पास करते हैं, so fabric which we want to calendar passes around and between the cylinder and pressed under great pressure, so tons में pressure होता है इस पे, ठीक है, वो rollers पे इतना pressure रहेगा, तो कपड़ा आपका वो pressure के pressure और heated roller के बीच में से pass होगा, specific type of calendar finish finish fabric
varies with the nature of cylinder surface, speed of the cylinder and nature of the fabric being finished. तो स्केलेंडरिंग से बहुत अलग अलग टाइप की लस्चर और पैटर्न आप इम्पार्ट कर सकते हो, वो सब डिपेंड करता है कि आपका फैब्रिक कौन सा है। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर ध्यान रखने वाले, सिलेंडर का स्पीड है, सिलेंडर का टेम्परेचर है, सिलेंडर के बीच में प्रेशर है, सिलेंडर किस चीज का बना हुआ है, मेटेरियल ऑफ द सिलेंडर, दैट इज ऑल्सो प्ले अ बिग रोल। So object of calendaring is to smooth the fabric and create interesting surface effect. यानी fabric पे smoothing लाएगा, luster लाएगा और surface effect कुछ create कर सकते हैं हम इसमें। ठीक, तो calendaring क्या वैसे तो temporary है, durable है नहीं है, लेकिन जब अगर आपने resin finish दिया है ना तो ये थोड़ा आपका durable हो जाएगा। ठीक है, रेजिन फिनिश मतलब आपके DMDHU और वो हम यूज करते हैं उसके लिए, एंटी ग्रीज के लिए, तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा। हाँ, जो आपके थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स हैं वहां पर आपका ये जो इफेक्ट है दैट विल बी ड्यूरेबल, यानी कि आपके जो सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट, हीट से क्या होगा वो परमानेंटली मेल्ट होकर फ्लैटन हो जाएंगे आपके जो धागे हैं, यार्न है, तो वहां पे इसका जो इफेक्ट है वो ड्यूरेबल रहेगा। सो कैलेंडरिंग ट्रीटमेंट आज आर नॉट यूजुअली अप्लाइड ऑन वूलन एंड वस्टेड फैब्रिक, तो बस वूलन और वस्टेड फैब्रिक पर हम कैलेंडरिंग ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या है फाइबर का सरफेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो उससे जो वूलन का मेजर जो प्रॉपर्टी है इंसुलेशन का वो इफेक्ट कर सकता है। तो ये आपको कुछ अलग अलग वो फोटोज दिखाऊंगा मैं जिसमें कैलेंडरिंग आपको दिखेगा। तो ये अलग अलग टाइप के कैलेंडरिंग है, सिंपल कैलेंडरिंग है, इसको बोलते हैं स्विसिंग और नॉर्मल ग्लॉसिंग। ठीक, इसमें आपका नॉर्मल दो रोलर रहेंगे, उसके बीच में से फैब्रिक को पास कराओगे। सो इट इज कॉल्ड, वी कैन से कि ये आयरनिंग ऑफ द फैब्रिक टाइप में होता है, कि हम कपड़े को आयरन करते हैं वैसा आपको ये अरेंजमेंट रहेगा। तो ये टेम्परेरी फिनिश है। ठीक, फैब्रिक यूजुअली रिटर्न्स टू देयर नेचुरल राउंड कॉन्फिगरेशन ऑन द फर्स्ट लॉन्ड्रिंग और स्टीमिंग, यानी एक या दो वॉश के बाद फैब्रिक आपका पहले जैसा ही होगा। ये सिर्फ आपको सेल करने के लिए हम ये सिंपल कैलेंडरिंग यूज करते हैं। स्पीड इज यूजुअली 100 यार्ड्स पर मिनट इन द मशीन। हाई प्रेशर टेंड्स टू फ्लैटन द यार्न एंड मेक द फैब्रिक सॉफ्टर स्मूदर एंड एनहांस द फैब्रिक्स लस्टर। फ्लैटन द यार्न मतलब फैब्रिक यार्न के सर्कुलर शेप को फ्लैट कर देता है प्रेस करके, तो उससे आपका सरफेस पे से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, उससे लस्चर आपका फैब्रिक होगा। लेकिन जब हम धोते हैं उसको वॉश करते हैं इन द केस ऑफ कॉटन सेलुलोजिक फाइबर, तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है डिटर्जेंट में और वो फिर से स्वेल होके अपना सर्कुलर शेप में आ जाता है, तो इसलिए टेम्परेरी फिनिश है कॉटन के केस में। ठीक, आज अभी यहीं तक करते हैं हम, कल आपको इसमें से अलग अलग बताएंगे हम, फोर रोल फाइव रोल, तो ये काफी लंबा है ये कैलेंडरिंग, अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स कौन से होते हैं। ठीक, ये सिंपल कैलेंडर तक हमने आज आपको बताया, आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क।